बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा व तालबात खुश आमदीद कहते हैं। हमारे चैनल का मेन मकसद आपको हर न्यूज़ आप तक पहुंचाना होता है, ताकि आप कंपैरिजन करके अपनी तैयारी को जारी रखें। रावलपिंडी का कल रिज़ल्ट आया था नायब तहसीलदार का, और मैंने रिज़ल्ट का आपको एक अंदिया दिया था कि इसका जो मेरिट होगा वो 115 प्लस होगा या 120 क्रॉस करेगा। तो उसका जो ओपन मेरिट का रिज़ल्ट आया है, ये जनाब आप चेक कर सकते हैं कि पेपर वन में एक स्टूडेंट ने 100 में से 35 नंबर लिए इंग्लिश में और फेल हो गया। अगर वो 100 में से नंबर ले लेता 40 तो वो पास समझा जाता। जीके के पेपर में उसने 40 नंबर लिए, वो पास हुआ। अब यहाँ एक बंदा एग्रीगेट, अब 100 नंबर तो चाहिए एग्रीगेट, और 100 नंबर जनाब उसके बन ही नहीं रहे, वो 81 नंबर बने हैं। ओपन मेरिट 112.75 पर रहा है, और इसी तरह जो ओपन मेरिट जो है वो 112.75 पर रहा है। वोमेन कोटा 102 पर रहा है, स्पेशल पर्सन कोटा 103.25 पर रहा है, मिनोरिटी कोटा जो है वो कोई भी पास नहीं हुआ था, वो तो वहाँ रिज़ल्ट में भी लिखा हुआ था। तो यानी ये एक सूरत हाल है, और आपको हमने बता दिया कि रिज़ल्ट के लिए आपको यहाँ मार्क्स ऑब्टेन के अंदर 100 नंबर लेना ज़रूरी है। 100 नंबर अगर आपके नहीं आते तो फिर आपका ओपन मेरिट में नाम नहीं आएगा। फिर जाके यानी यहाँ 100 होंगे एग्रीगेट, 40 नंबर ज़रूरी है यहाँ पे लेना, 40 के बाद दोनों को मिला के दोनों के 100 नंबर बनने चाहिए, फिर आप मेरिट में काउंट होंगे, फिर मेरिट बनेगा। अब जिस बंदे के 112 नंबर आए हैं वो जनाब पास हो गया। अब देखें 112 नंबर पे जो लोग 112 नंबर वाला ओपन मेरिट में पास हुआ है, इसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि रावलपिंडी के अंदर जो है नायब तहसीलदार रावलपिंडी के अंदर जो है कितनी सीटें थी और कितने लोगों ने अप्लाई किया, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो सके। हाँ जी, 23 सीटें थी, 16 थी ओपन मेरिट पे, और तकरीबन 4,865 लोगों ने अप्लाई किया। तो जिन्हें ये इधर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, इतने कम नहीं थे। तो बहरहाल एनी मोर कि जैसे हमारे पास जनाब नेक्स्ट जो है कोई ख़बर आती है, हम आपको इसके बारे में आगाह करेंगे। और सफ़ेद जी के अकेडमी सबसे पहले ख़बर देने वाला चैनल है, सबसे पहले अथेंटिक न्यूज़ देने वाला चैनल है। आप लोग अगर हमारे चैनल से सेटिस्फाइड हैं तो आपने एक काम करेंगे कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने स्टूडेंट हैं इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको जो है PPSC के अबाउट, लेटेस्ट जॉब के अबाउट, और उनकी जो क्लैरिफिकेशन होती है, उनके जो मसाइल होते हैं, आपको नहीं पता यहाँ पर कितने लोगों के मसाइल होते हैं। अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा भी उसको नहीं पता होता कि मैंने अप्लाई कैसे करना, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, लेकिन मैं माइंड नहीं करता जनाब आप इतने पढ़े लिखे बंदे और उस, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त हमारे साथ भी गुजरा है, और लोग जो है मतलब है इस तरह से जब एक प्रोसेस से आप नहीं गुजरे, चाहे आप जितने भी एजुकेटेड हैं वो नहीं हो सकता, लिहाजा हम उनको समझते हैं और समझ के उनको जवाब देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो फीमेल्स के प्रॉब्लम होते हैं। तो बहरहाल हमारा ये चैनल उनके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करता है, जहाँ तक हो सकता है उलाइज करते हैं हम। और इंशाल्लाह ताला कल इंशाल्लाह ताला नायब तहसीलदार के बाकी डिवीजन का रिज़ल्ट आने का चांस है, जैसे कि रिज़ल्ट आएगा हम आपको फ़ौरन आगाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह हम नई अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।